हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एसवीजी आइकन्स। एसवीजी आइकन वो आइकन होते हैं जिसके हम साइज रिसाइज कर सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, और ये मोस्टली हर ऐप या वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन से पहले तो हम एसवीजी आइकन फ्री में डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब वो सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फ्लैट आइकन से ये प्रीमियम आइकन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक आइकन सर्च कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं वाईफाई का आइकन सर्च करता हूं। आइकन्स में मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ताज का लोगो बना हुआ है, मतलब ये सिर्फ प्रीमियम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लिए फ्री का ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप इस फ्री को डाउनलोड कर लें। फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर लें। एक बार आइकन डाउनलोड हो जाए उसके बाद आइकन को ओपन करना है आपने, लेकिन उससे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसका नाम है इलस्ट्रेटर। मोस्टली डिजाइनर्स के पास ये सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो काइंडली इसको डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैंने इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर अभी खोल लिया है, यहाँ पर एक मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, क्रिएट न्यू। और जैसे कि आपको पता है कि फ्लैट आइकन से हम जो भी आइकन डाउनलोड करते हैं वो 512x512 पिक्सल में होता है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट एंड क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपना आइकन ड्रॉप करेंगे, तो आइकन ड्रॉप करने के लिए मैं क्रोम में जाता हूँ। यहाँ से जो आइकन हमने डाउनलोड किया है इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। शिफ्ट होल्ड कीजिएगा ताकि अपनी शेप बरकरार रखे। इसको थोड़ा सेंटर कर देते हैं। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस आइकन पर क्लिक कर देना है और ये पैनल ओपन हो जाएगा। अगर ये पैनल आपके पास ओपन नहीं होता, आपने सिंपली विंडोज में जाना है, वर्कस्पेस में जाना है और एसेंशियल क्लासिक सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये एसेंशियल पे होगा, ठीक है, इस तरह होगा। तो आपने सिर्फ विंडोज पे जाना है, वर्कस्पेस पे जाना है और एसेंशियल क्लासिक को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, अपनी इमेज को सेलेक्ट कर देना है और इमेज ट्रेस पे क्लिक कर देना है। ये इमेज ट्रेस हो गई, उसके बाद सिर्फ एक्सपेंड पे क्लिक कर देना है। अब आपकी ये आइकन एसवीजी में कन्वर्ट हो चुकी है। चेक करने के लिए इधर क्लिक कर दें, इसको अनग्रुप कर दें और डिलीट प्रेस कर दें ताकि ये वाइट स्पेसेस क्लियर हो जाए। मैं इस आइकन को थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। जूम आउट। ओके, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दें, डिलीट डिलीट एंड यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये आइकन आई थिंक यहाँ पर था, ओप्स, यहाँ पर था, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। अब सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके सेलेक्ट कर ले, पहले ग्रुप कर दें और इसको अपने सेंटर में कर ले। अब आप जैसे देख सकते हैं ये एसवीजी में कन्वर्ट हो गई है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। और सिंपली फाइल्स में जाइए, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दें इसको, माय एसवीजी आइकन एंड ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर पड़ी है। सिंपली आपने जाना है डॉक्यूमेंट्स में एंड दिस वन माय एसवीजी आइकन। अगर हम इसको खोलें तो एसवीजी में कन्वर्ट हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।